18 जनवरी से पलटेगी इन तीन राशियों की किस्मत। बुध और शुक्र की युति से बनेगा महालक्ष्मी नारायण योग, जिससे कि आपको धनदान्य में, समाज में, मान सम्मान में वृद्धि होगी। नमस्कार प्रिय साथियों, आप देख रहे समय संकेत और मैं हूं आपके साथ आपका अष्टो साथी। जी हां प्रिय साथियों, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि समय समय पर जो ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते रहते हैं और उसका हमारे मानव जीवन पर और पृथ्वी पर प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय साथियों, 18 जनवरी को धनु राशि के अंदर बुध और शुक्र की युति बनने जा रही है, जिससे कि महालक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इस महालक्ष्मी नारायण योग से इन तीन राशियों की किस्मत बदल जाएगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो पिछले साल के चलते आपको फाइनेंशियली दिक्कत आ रही थी, जो पिछले साल के चलते आपको लग रहा था कि मेरी प्रमोशन, मेरी तरक्की रुकी हुई है, वो इस साल के अंदर संभव होगी। तो 18 जनवरी को बन रहे बुध और शुक्र कीति से इस महालक्ष्मी नारायण राजयोग का किस किस को लाभ मिलने वाला है, वो कौन कौन सी तीन भाग्यशाली राशि है। सबसे पहली राशि कुंभ राशि, दूसरी राशि मीन राशि और तीसरी राशि वृश्चिक राशि। अब इन तीन राशियों में किसको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।